ना व्हाइट तो मेघना ब्लैक नैना राइट तो मेघना लेफ्ट और ऐसे शुरू हुआ इनका फ्लेमिंगो और टैप प्यार की ये कहानी सुनो एक लड़का था एक लड़की थी सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में नैना और मेघना अपने पतियों के साथ उतर गई हैं एक बार फिर डांस के जंग में इस कपल डांस में वो भी एक दौर था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी इस कंपटीशन में कई राउंड पार करने के बाद नैना करण और मेघना कुनाल आ पहुंचे हैं फाइनल राउंड में जहां उन्हें देना है एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस भी नहीं किया है मैंने तो सुना भी नहीं था यार मैंने देखा था और उसके बाद मैं डर गई थी टैप डांस मैंने सुना हुआ फ्लेमिंगो भी मैंने दूर दूर से ऐसी सुना हुआ है बट तो जब इन्होंने बताया टैप डांस है तो फिर टैप का मुझे एक दो मेमोरीज फ्रेश हो गई रिफ्रेश हो गई और फ्लेमिंगो मैंने उसके बाद यूट्यूब किया कि आखिर होता क्या है मैंने तो वो अटेम्प्ट भी नहीं किया मैंने कहा देखने का भी कोई फायदा नहीं है जो उस टाइम सिखाएंगे आधा एक घंटा मिलेगा हमें देंगे स्टेप्स करने के लिए वही हमें हाँ बस वही करना पड़ेगा तो ज्यादा मैंने अब बस मेहनत कर रहा हूँ सुबह से जब से आया वैसे इस डांस की जितनी तैयारी मेघना और कुणाल कर रहे हैं उतनी ही तैयारी नैना और करण भी कर रहे हैं इस बार तो नैना ने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए वो और करण ये कपल डांस कॉम्पिटिशन जीत कर ही रहेंगे डेफिनेटली अगर मैं बहुत सोच के लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टेज पे आया हूँ तो मेरे लिए तो और क्रूशियल है मेरे को हमेशा कुणाल से नीचे दिखाया गया मेरे डैड हमेशा मुझे कोसते रहते हैं कि करण कुणाल जैसा नहीं बन सकता तो फर्स्ट टाइम मैं कम्पीट कर रहा हूँ भाई को तो खुशी है एंड ऑब्वियसली टफ कॉम्पिटिशन है भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है डांस जीतने के अलावा नैना का मकसद कुछ और भी है वो धीरे धीरे करण का प्यार भी जीतना चाहती है हो सकते हैं क्योंकि इस कॉम्पिटिशन के जरिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है और ऑब्वियसली प्रेपरेशन में जो टाइम जाते हैं यू गेट क्लोज राउंड ही ऐसे हैं सो आई थिंक हाँ थोड़ा तो दोस्ती वैसी हो गई है अब प्रॉक्सिमिटी भी क्लोज हो रही है तो मे बी केमिस्ट्री थोड़ी मार्क्स ज़्यादा है इस बार देखते हैं तो चलिए देखते हैं कि इस डांस के जरिए नैना करण का आत्मविश्वास जगाने में कामयाब होती हैं या फिर नहीं आज तक ब्यूरो